वाओ, देहाती चिकन लुकिंग सो यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में देहाती चिकन को बनाया है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस देहाती चिकन को मैंने कैसे बनाया है और इस डिलीशियस देहाती चिकन में मैंने क्या क्या सामान डाला है। तो चलिए इस डिलीशियस देहाती चिकन को हम लोग बनाते हैं और अब देरी नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने बनाया है इसे। देहाती चिकन बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब इसमें हम लोग 7 से 8 बूंद विनेगर के डालेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट इसमें डाल देंगे और हल्दी पाउडर अब डालेंगे हम लोग। 1 छोटी स्पून मैंने डाला है और इसमें 5 से 6 चम्मच करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैंने 5 चम्मच के आसपास मस्टर्ड ऑयल का डाल दिया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिलाकर 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। मैं अच्छी तरीके से पहले मिला लेती हूँ, फिर आगे का वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे मैरिनेशन को मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग एक साइड में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन अब मैरिनेट हो चुका है। आइए अब हम लोग इसे बनाते हैं। इधर एक पैन मैंने गर्म होने रखा है। अब इसमें हम लोग 4 बड़े चम्मच के आसपास मस्टर्ड ऑयल को डालेंगे और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ी सी हींग हम लोग डाल देंगे। और आइए इधर देखिए, मैंने थोड़े से गरम मसाला को क्रश करके रखे हैं, तेज पत्ता है और रेड चिली है, ये सब भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से क्रैकल को आने देंगे। जैसे ही क्रैकल आ जाएगा तो इसमें हमने अदरक क्रश किए हुए हैं और ओनियन, ये सबको डाल देंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे मीडियम टेम्परेचर पर। ओनियन को फ्राई करते करते अगर हम लोग 1 पिंच के आसपास सॉल्ट डाल देंगे तो हमारा ओनियन जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा ओनियन अब फ्राई हो चुका है। अब ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है इसे सारा इसमें डाल देंगे और एकदम से हाई टेम्परेचर पर इसे हमें भूनना है। इसका रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर पर भूनेंगे तो अच्छी तरीके से ये सील हो जाएगा और भून जाएगा। अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे हम लोग तो ये अपना पानी रिलीज करने लगेगा, फिर अच्छा से भुना नहीं पाएगा। इसीलिए 3 से 4 मिनट तक हमें हाई टेम्परेचर पर ही इसे भूनना है। ये देखिए हमारा चिकन अब अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके टेम्परेचर को मीडियम पे ले आएंगे और धीरे धीरे सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर, मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। इसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसमें से एक बार चला लूंगी। इस बीच मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल कम रखा है। अब इसमें हम लोग, ये देखिए मैंने मसाला को पीस के रखा है। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, सौंफ और तेज पत्ता और काली मिर्च, ये सब मैंने
पीस के रखा है, ये सब भी मैं इसमें अब डाल दूंगी। और इन सबको अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक भून लूंगी। ये देखिए मैंने दोस्तों अच्छी तरीके से इसे चला लिया है। अब इसमें एक छोटी स्पून काला नमक के डालूंगी। देहाती चिकन में ये काला नमक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है दोस्तों। अब इसे लो मीडियम टेम्परेचर पर रखकर हम लोग ढक ढक कर इसे अब मसाला भून जाने और चिकन पक जाने तक इसे रख देंगे और बीच बीच में इसे हम लोग चलाते भी रहेंगे। अब इसमें हम लोग 1 पिंच के आसपास शुगर डाल देंगे, इससे देहाती चिकन का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब इसे फिर हम लोग ढक देते हैं। वाओ कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा चिकन देहाती चिकन अब बनकर बिल्कुल रेडी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पक गया, लेकिन आप कैसे जांचे इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताती हूँ। इस पर नॉर्मल ठंडा पानी 1 पीस पर हम लोग डालेंगे और इसे तोड़ के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना आसानी से ये टूट रहा है, तो इसका मतलब ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है और ज्यादा पकाने से टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये देखिए मैंने गरम मसाला और थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च को पेस्ट बना के रखा है। और इधर देखिए दोस्तों ये मैगी मसाला ही मैजिक पाउडर है, इसे भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग पूरा 1 भर स्पून इसमें हम लोग डाल देते हैं, थोड़ी सी और डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से फिर हम लोग चला देते हैं। एक बार मेरे तरीके से बना के देखें दोस्तों, बहुत ये डिलीशियस आपको लगेगा, ये देहाती स्टाइल ये चिकन। अब इसमें ये पाउडर भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ी सी, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से चला देंगे, ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से चला दिया है। अब इसमें थोड़ी सी पानी को हम लोग डालेंगे, आप चाहें तो बिना पानी के ही इसे खा सकते हैं। इसे पूरी पराठा राइस किसी भी चीज के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसे मैं चला देती हूँ और 2 से 3 मिनट तक और इसे पका लूंगी। अब ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक और इसे पका लेते हैं। ये देखिए हमारा देहाती चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसके इंडक्शन को करेंगे हम लोग ऑफ। ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे इसी में रेस्ट करने देंगे। ये देखिए हमारा शानदार देहाती चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए अब बोल में इसे निकालते हम लोग। वाओ कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने बोल में निकाल लिया है खाने के लिए। अब इसके ऊपर धनिया पत्ता से हम लोग सजा देंगे, देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। मैंने पुदीना पत्ता से अच्छी तरीके से सजा दिया है,
ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये हमारा देहाती चिकन, मेरी बनाई हुई रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई दोस्तों तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों। वाओ, कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। इसे आप पूरी, पराठा, राइस, पुलाव, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाओ, देहाती चिकन।